यहाँ पर पूरी टूरिज्म की हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसमें क्या क्या काम हमने होने हैं। केंद्र सरकार में हमारे अजय भट्ट जी को टूरिज्म का प्रभार मिला है, तो निश्चित रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या सरकार से मांग सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जो है 69.17 करोड़ की स्वीकृति हमें मिली है, जिसके सापेक्ष हमने 65.71 करोड़ की धनराशि जो है वो हमें अब मुक्त हुई है और उसका हमने उसको खर्च किया है। इसके साथ साथ कुमाऊं हेरिटेज सर्किट के तहत हमने सभी काम जो हैं पूरे कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम में 25% कार्य जो हैं पूरे किया जा चुके हैं। टीरी झील परियोजना को सुनिश्चित रूप में विकसित करने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंतर्गत हमने DPR जो है बनवा के तैयार कर ली है। तो बहुत से काम हम लोग कर रहे हैं, उसकी समीक्षा बैठक हो रही है। और प्रसाद योजना के तहत हमको भारत सरकार से 54,35,60,000 रुपीज़ हमें राशि प्राप्त हुई है, स्वीकृत हुई है। और जो घाटे में हमारे TRH चल रहे हैं उनको उबारने के लिए भी हम योजना बना रहे हैं। और कुछ हमारे जो TRH हैं वो कोविड सेंटर बन गए थे, तो अब उनको भी हम उससे निकाल करके चाह रहे हैं कि हम पर्यटकों की सेवा के लिए उनको चुस्त दुरुस्त करें। तो ये बहुत सी बातें हैं। और इसमें हमने ट्रैक्स को भी देखा है, दीवा के डांडे के ट्रैक को हम जो है आगे लाना चाहते हैं। चमोली के अंदर घेस ट्रैक को हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें बुग्यालों के अलावा ये तीन ट्रैक हैं, तीन साइट्स हैं, रूपकुंड की साइट है और बहुत साइट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि लोग ट्रैक कर सकें। क्योंकि अब लोगों में एक दूसरा पर्यटन आया है कि भाई हम जहाँ जमघट ना हो, कंजेशन ना हो, क्लस्टर ना हो, ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ ना हो, इससे हट करके हम टूरिज़्म को करें। तो उसी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमने काम किया है। और हमारे इसमें जो हमारे बने हैं हट्स बने हैं, हमारे जो इसमें होम स्टेज बने हैं, वो इसमें बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हमने भगवती सर्किट बनाया है, शाक्त सर्किट बनाया है, जिसमें हमने 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊं के हमने स्थानों को चुना है, मंदिरों को चुना है। शैव सर्किट हमने बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है। विवेकानंद जी जहाँ जहाँ गए उनसे आज हमारा यूथ प्रेरणा ले रहा है, उसको हमने बनाया है। नागराज सर्किट, गुरुद्वारा सर्किट, हनुमान सर्किट, गोलजू सर्किट, नरसिंह सर्किट, नवग्रह सर्किट, महाशु सर्किट, इस प्रकार से हमने काफ़ी 135 स्थलों को चुना है, तो ताकि लोग वहाँ जा सकें और टूरिज़्म कर सकें। इसके साथ साथ जो हमारे पंच बद्री और पंच केदार है वहाँ पर भी हम हेलीपैड बनाने की सोच रहे हैं, ताकि जो केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वो अपने इष्ट के पंच बद्री में, पंच केदार में दर्शन कर सकें और वहाँ भी हेलीपैड बनाने की हम लोग योजना बना रहे हैं। तो पूरी कनेक्टिविटी के साथ हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज़्म हो और देश के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन इस रूप में हो कि इन्होंने एक ऐसे टूरिज़्म को जो इम्यूनिटी बूस्टर टूरिज़्म है उसको आगे लाया है उत्तराखंड, तो इसमें हम काम कर रहे हैं। चार धाम की भी आने वाले समय में निश्चित रूप में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस समय सबसे बड़ा जो तीसरी लहर आ रही है उसको रोकने के लिए और वो रुके और हम लोग उससे प्रभावित ना हों, इसके लिए समय माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप में इसके बाद जैसे तीसरी लहर समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे टूरिज़्म खुलेगा और मैं समझता हूँ कि उन स्थानों का चयन ज़्यादा लोग हमारे करेंगे जो स्थान सुदूर हों, जहाँ कंजेशन नहीं है, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है।